हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिखाएंगे आपको बहुत ही सुंदर और यूनिक फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो हर लड़की पहनना इसको पसंद करती है। तो हमारी जो बॉडी है वो लेनी है हमने 16 इंच की। तो ऐसे 16 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 43 इंच की। तो पहले बॉडी हम 16 इंच की कटिंग करेंगे। तो ये हमने बॉडी की कटिंग कर ली है, इसकी जो फ्लावर है ऊपर की तरफ जाने चाहिए। तो इस तरीके से हमने बॉडी की कटिंग कर ली है। अब इसका जो तीरा है वो हमने लेना है 6 इंच का। तो जो आर्म होल है वो लेंगे हम 7 इंच का, ठीक है। और जो फ्रंट साइड की हमने कटिंग करनी है वो लेनी है हमने 5.5 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे और फ्रंट साइड और बैक साइड की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और जो हमारी कमर है वो लेनी है हमने 16.5 इंच, और 16.5 इंच का हाफ होता है, चौथा भाग होता है 8.5 इंच। और चेस्ट हमारी है 19 इंच की, तो हम 9.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए, अब कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है आर्म होल की। अब इसकी जो प्लेट है वो डालेंगे ऊपर से, हमने 11 इंच में निशान लगाना है। और जो हमारी यहाँ से दूरी है वो लेनी है हमने 3.5 इंच पे। तो 3.5 इंच पे ऐसे करके हम निशान लगा देंगे। और जो यहाँ पे निशान लगाएंगे वो 2 इंच की दूरी पे लगाएंगे, और यहाँ भी 2 इंच की दूरी पे हमने ऐसे प्लेट डाल देनी है। और बैक साइड पे भी हम डाल देंगे प्लेट, इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ हम कट लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने निशान भी लगा लिए और कट भी लगा लिए। और बैक साइड से हम निशान कट को निशान से मिला देंगे, ठीक है। जहाँ पे हमारा कट है वहाँ तक हम निशान मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो निशान लग चुके हैं। अब हमने करनी है बॉटम की कटिंग। तो बॉटम की कटिंग करेंगे हम, बॉटम लेंगे 30 इंच का, ठीक है। टोटल लेंथ हमारी है 43 इंच की। तो 16 प्लस 30 हमारा आ गया 46, और 3 इंच हमने माइनस कर दिया, तो 43 इंच हमारी जो लेंथ है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइडों की कटिंग कर दी है, बैक साइड और फ्रंट साइड की। तो अब हमारी जो कमर थी वो थी 16.5 इंच की। तो 17 इंच भी ले लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसमें हमने 12 इंच प्लस करना है। तो 29 इंच हमारी जो बॉटम की जो चौड़ाई है वो हमने लेनी है। तो आप 30 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 15 इंच हमने फोल्ड कर दिया है। तो हमारी जो चौड़ाई है वो भी 30 इंच है, और लंबाई है वो भी हमारी 30 इंच है, ठीक है। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं और इसको कपड़े को कट कर लिया है। और ये जो हमारा कपड़ा है वो हमारा नेक में काम आएगा, नेक में लगाने के लिए। तो हमारी बॉटम और बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। बाजू की जो कटिंग है वो है बलून बाजू है हमारी। तो इसकी कटिंग भी बहुत आसान है। हमारा जो आर्म होल है वो हमने लेना है 8.5 इंच पे, और जो डीप कटिंग है वो लेनी है 3 इंच पे। तो जो हमारी बाजू की मोरी है वो लेनी है हमने 5.5 इंच, ठीक है। और ये हमने कपड़ा कट नहीं करना है, यहाँ पे हमारी गैदर्स आएंगी। तो इस तरीके से निशान से निशान को मिला देना है। तो अब हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है, और कपड़े को हम अलग अलग कर देंगे, बीच से कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। तो ये हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई है। अस्तर की कटिंग भी मैंने कर ली है, ठीक है। मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने बॉडी स्टिच करनी है, ठीक है। बॉडी को हम सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे इसके पार्ट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो ये हमारा कॉटन फैब्रिक है, तो बड़ी सफाई से इसमें लाइनिंग भी लगती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है लाइनिंग लगाने में, बड़ी आसानी से लग जाती है। तो अब इसकी हमने
सेंटर बनाना है बॉडी का। तो जो हमने प्लेट्स के निशान डाले थे वो हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हम डार्क कर देंगे। फ्रंट साइड की कटिंग भी हमने कर ली है बॉडी की, ठीक है। इस तरीके से निशान को हम डार्क कर देंगे। तो अब हम प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्लेट्स को डाल देना है। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है फ्रॉक और गर्ल्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और ये देखिए, मैंने प्लेट्स को डाल लिया है और अब इसका हमने सेंटर बनाना है। तो ये हमने छोटा सा कट लगाया और फ्रंट साइड में हमने ऐसे निशान लगाया। तो ये नेक है जो इसकी कटिंग मैंने करके रखी है और कपड़े के ऊपर पेस्ट भी कर लिया है। और इस तरीके से हमने बॉडी के ऊपर भी इसको पेस्ट कर लेना है रफ़ सिलाई लगा करके। तो ये पेस्ट गला करना मैंने हर वीडियो में सिखाया है, तो आप इतना तो आता ही है सबको पेस्ट करना गला। तो हमने फोल्ड भी कर दिया है, अंदर की तरफ रफ़ सिलाई लगा दी है। तो ये बैक साइड है उसको भी मैंने तैयार कर लिया है, ठीक है। ये रेप पट्टी कट करके मैंने बैक साइड का नेक तैयार कर लिया है। अब फ्रंट साइड से इसको इस तरीके से मोड़ के हमने कंधे से कंधे को ऐसे करके जोड़ देना है, ठीक है। डबल सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, दोनों कंधे मैंने जोड़ दिए हैं। अब बॉडी हमारी तैयार हो गई है। अब हमने इसका जो बॉटम है वो तैयार करना है, इसको भी हमने लाइनिंग लगा करके जोड़ लिया है। तो फूल जो है वो ऊपर की तरफ जाने चाहिए, सेंटर से हम कट लगा लेंगे, ठीक है। ये जो फूल है आप देख लें कि किस तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ही जाने चाहिए। नीचे से भी मैंने फोल्ड कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से हमने फ्रंट साइड की बॉडी में ये जो बॉटम है उसको ऐसे अटैच करना है, कट से कट को मिलाते हुए ऐसे पिन अप कर देंगे। तो इतने हिस्से में हमने तीन चोने डालनी है, ठीक है। आप जो चोनों को ऐसे सेट कर लीजिए, आप देख लें किस तरफ आपने चोने डालनी है। एक साइड हम बाहर की तरफ डाल रहे हैं चोनों को, तो ऐसे आपने सेट करते हुए बाहर की तरफ आपने तीन चोने डाली हैं। जब आप दूसरी साइड में डालेंगे तो आप अपनी तरफ चोनों को डाल दें, ठीक है। जो चोने हैं उनकी साइड अपने आपकी तरफ होनी चाहिए, वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने चोनों को डाल देना है, ठीक है। ये फ्रंट साइड की चोने डल चुकी हैं। अब इसको सीधा करके देखेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। ये तीन तीन चोने दोनों साइडों में पड़ गई हैं। अब इसमें एक सिलाई और लगाएंगे जिससे कपड़ा हमारा बैठ जाए। ये बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों हमने अटैच कर दी है, ये देखिए, ठीक है। अब इसकी हमने फिटिंग कर देनी है। तो हमारी जो बॉडी चेस्ट थी वो थी 19 इंच की, तो 19 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो कमर थी हमारी 16.5 इंच की, तो 16.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, ठीक है। ऐसे निशान से निशान को मिला देंगे। अगर आप स्लिट्स वाली फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो ऊपर आर्म होल से लेके नीचे 15 इंच तक आप जैसे कुर्ती में सिलाई लगाते हैं, साइड सीन लगाते हैं, उसी तरीके से आप साइड सीन लगा के तो नीचे ओपन कर देंगे, स्लिट्स बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अंदर की तरफ जो चेस्ट है अंदर की तरफ ऐसे सिलाई लगाएंगे, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं स्लिट्स बनाना तो 15 इंच तक आप, यहाँ पे समझा रही हूँ मैं ऐसे निशान लगाकर, 15 इंच तक आप ऐसे निशान लगाकर छोड़ दें और बाद में आप स्लिट्स मोड़ लें। लेकिन मैंने इसमें स्लिट नहीं बनाने हैं और मैं इसको पूरा बंद कर दूँगी। तो इस तरीके से
हमने फिटिंग कर लेनी है। अब हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने अस्तर लगा लिया है बाजू में, और आप बखिया थोड़ा बड़ा कर लें और ऐसे आप कच्ची सीन लगा लें, ठीक है। तो ये बिलून बाजू है, इसमें हम गैदर्स डालेंगे। ऐसे धागे को खींचते हुए आप इसमें गैदर्स डाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी गैदर्स पड़ चुकी हैं। अब इसकी जो मोरी है वो हमने लेनी है 5.25 इंच, ठीक है। 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसकी जो हमने दो पट्टियाँ कट करनी है वो 4 इंच की कट करेंगे, और लेंथ हमारी जो बाजू है उसके अकॉर्डिंगली रख लेंगे। तो जो फ्रंट साइड है ऊपर की तरफ रखनी है, और पट्टी की भी फ्रंट साइड ऊपर की तरफ रखनी है, और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे, और ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी को हम मोड़ देंगे। तो ये बाजू बनाना भी बहुत आसान है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये बलून बाजू। तो मोरी पे हम निशान लगाएंगे बाजू की, और आर्म होल हमारा है 8.5 इंच, और इस तरीके से हम निशान से निशान को मिला देंगे, सिलाई कर देंगे। और बाजू चढ़ाना तो हर किसी को आता है, तो इसलिए मैंने बाजू चढ़ा दी है, इसकी वीडियो नहीं बनाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रॉक बनके तैयार है। तो ये बटन भी लगा दिए हैं मैंने, ये मेरी बाजू देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।